तीन साल से गर्ल फ्रेंड के साथ ये सब कर रहे थे अरमान। अब अस्पताल पहुंची तो किए चौंकाने वाले खुलासे। अरमान कोहली पर उनकी गर्ल फ्रेंड नीरू रंधावा ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। पिछले तीन साल से दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। नीरू फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनके माथे की सर्जरी हुई है। नीरू का आरोप है कि उनके बीच पैसे की वजह से झगड़ा हुआ और अरमान ने नीरू को गाली देना शुरू कर दिया। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, अरमान ने नीरू के बाल पकड़े और जमीन पर दे मारा। इससे नीरू लहूलुहान हो गई। ये पहली बार नहीं था जब अरमान ने उन पर हाथ उठाया हो। नीरू ने अरमान और अपने रिश्ते को लेकर काफी खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह अरमान के गुस्से ने उन्हें हर बार चोट पहुंचाई है। नीरू कहती हैं, डेटिंग के कुछ महीने बाद हम एक साथ रहने लगे। मैं उसका काम, पेरेंट्स और भाई को संभालती थी। हम कई इवेंट्स में एक साथ जाया करते थे, लेकिन अरमान ने कभी हमारे रिलेशन को ऑफिशियल नहीं किया। वो हमेशा इसे छिपा कर रखना चाहता था। अरमान बहुत शॉर्ट टर्म पर है और किसी को भी पीटने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। फरवरी में पहली बार उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था और मेरी नाक तोड़ दी थी। मैं अरमान के गोवा वाले विला का काम देखती हूँ। वो अक्सर किराए पर बुक रहता है। इस बार क्लाइंट ने विला का पेमेंट एक स्टाफ मेंबर को कर दिया। अरमान ने मुझसे इस बुकिंग के पैसे के बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया कि वे स्टाफ से कहकर जल्द ट्रांसफर करवा देंगी। लेकिन अचानक अरमान ने उनको गाली देना शुरू कर दिया और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, अरमान ने उनको बालों से पकड़कर उनका सिर फर्श पर दे मारा। नीरू का कहना है कि अरमान उन्हें रविवार से लगातार मैसेज कर कह रहे हैं कि वो घर आ जाए, साथ ही शादी करने का वादा भी कर रहे हैं। लेकिन अब नीरू अरमान के पास वापस लौटने के मूड में नहीं है। नीरू को अब इस रिलेशन पर पछतावा हो रहा है। मैं उसे छोड़कर दुबई चली गई थी और वहाँ शांति से जॉब कर रही थी। तीन महीने बाद अरमान फिर से घर आया और कहने लगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं बदल गया हूँ। इसके बाद मैं सब कुछ छोड़ इंडिया में शिफ्ट हो गई थी। नीरू अब अरमान को सजा दिलाना चाहती हैं।